हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिडॉक्स सेक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स सेक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग करेंगे। देखिए, बैलेंसिंग का ये जो मेथड होता है ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है कंपेयर टू ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के। तो चलिए हम इसके रूल्स को सीखने चलते हैं और कैसे हम किसी भी रिडॉक्स सेक्शंस को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू हम लोग इजी वे में उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसको सीखते हैं। हमारा रिएक्शन है FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4, और ये रिएक्ट करके H2SO4 होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस वाटर एंड K2SO4 दे रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एसिड लिया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अगर बेस होता तो हम लोग बेसिक मीडियम में रिएक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये ऐसा मेथड है जिसमें अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भी निकालने आता है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रिएक्शंस को ब्रेक करने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस गिवन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को हम आयनिक रिएक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो कैसे आयनिक रिएक्शन में बदलेंगे ये देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हमने इस रिएक्शंस को आयनिक फॉर्म में लिखा, और आयनिक फॉर्म में जब लिखा तो FeSO4 ब्रेक करेंगे तो Fe प्लस टू और SO4 माइनस टू दिया। SO4 माइनस टू को हम हटा रहे हैं क्योंकि SO4 माइनस टू का जो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही राइट साइड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी जिसका जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं इक्वेशन से, और जिसका जिसका चेंज होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखिए, हमने इसको जब ब्रेक किया तो Fe प्लस टू मिला, यहाँ से पोटेशियम को हमने हटाया तो MnO4 माइनस मिला, और इस H2SO4 को हमने हटा दिया है, हम इसको बाद में बैलेंस करेंगे। यहाँ से हमने Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री लिया, और यहाँ से Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिया, प्लस टू लिया। अब आप यहाँ से असाइन कर लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, ये प्लस टू स्टेट से किस में जा रहा है, प्लस थ्री स्टेट में जा रहा है, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब देखिए, यहां पे देखिए, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस सेवन। ठीक है, और ये प्लस सेवन से किस में जा रहा है, ये आपको जा रहा है प्लस टू में, घट रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है। देखिए, अगर आपको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं निकालने आता है तब भी आप इस इक्वेशन को इजिली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता है तो आप देख लीजिए कि कौन किस में जा रहा है। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक को लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे को रिडक्शन हाफ। अगर ये भी नहीं आपको समझ में आता है तो आप सिंपल ऐसा लिखिए, Fe प्लस टू किस में जा रहा है जी, ये जा रहा है Fe प्लस थ्री में। ठीक है, और दूसरा MnO4 माइनस किस में जा रहा है जी, तो ये जा रहा है Mn प्लस टू में। हमने इस रिएक्शंस को दो भाग में स्प्लिट कर दिया, जिसको आप बोलते हो हाफ रिएक्शन, यानी जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, और जहां रिडक्शन हो रहा होगा उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। अब आपको करना क्या है कि एटम को बैलेंस कर लेना है। तो देखिए, यहां पे आयरन कितना है, वन है, और यहां पे आयरन कितना है, वन है। ठीक है, अब एटम हमारा बैलेंस हो चुका है, अब चार्ज को बैलेंस करिए। इधर कितना प्लस चार्ज है, टू है, इधर कितना प्लस चार्ज है, तो थ्री है, यानी कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम अब इसको प्लस टू करने के लिए
इधर वन इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब उसी तरीके से इधर चेक करते हैं हम लोग, देखिए यहां पे आपके पास इधर क्या है, माइनस है, और इधर क्या है आपके पास, प्लस टू है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको देखना है कि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितना कमी है उसको हम लोग चेक करते हैं यहां पे। अगर हमको इधर क्या करना है कि प्लस टू चार्ज लाना है, क्या लाना है जी हमें, इधर प्लस टू चार्ज लाना है, तो प्लस टू चार्ज लाने के लिए हमको इधर क्या करना पड़ेगा ये आपको चेक करना है। तो देखिए हम चार्ज को बाद में बैलेंस करेंगे, पहले एटम को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे Mn कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी Mn कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने चलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है। देखिए एसिडिक मीडियम का रूल समझ लीजिए, एसिडिक मीडियम में जितना आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, उतना ही दूसरे साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 4H2O ऐड करना पड़ेगा। फिर जितना वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हैं उसका डबल H प्लस इधर ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 8H प्लस। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि एसिडिक मीडियम में जितना ऑक्सीजन जिधर ज्यादा होता है उसके अपोजिट साइड में उतना ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड किया जाता है। जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप ऐड करते हैं उसके अपोजिट साइड में उसका डबल H प्लस आयन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए यहां पे हमारा Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बट चार्ज बैलेंस नहीं है। अब देखिए चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर हमारा चार्ज कितना है, प्लस टू है, और इधर की अगर चार्ज आप देखने चलें तो अभी कितना है, 8 है, और 8 में से 1 माइनस करिएगा तो हमारे पास आएगा 7। यानी आप 7 में कितना इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे कि ये प्लस टू हो जाएगा, तो 7 में अगर -5 करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा चार्ज प्लस टू बचेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखिए ये माइनस चार्ज 5 और ये एक माइनस चार्ज, तो -6 चार्ज हो गया, और 6 को 8 से बैलेंस किए, माइनस किए, तो ये प्लस टू हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, ये भी स्टेप बैलेंस हो चुका है और ये भी स्टेप बैलेंस हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन आपने यहां ऐड किए हैं उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पे जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उससे आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आगे बढ़ाइए अब इक्वेशन को। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 Fe प्लस टू डेट गिव्स 5 Fe प्लस 3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस और डेट गिव्स Mn प्लस 2 एंड H2O 4H2। अब इस दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया जी। अब आपके पास बचा 5 Fe प्लस 2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, और इधर की तरफ करें तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 5 Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2 और प्लस 4H2O आएगा। अब चलिए इस इक्वेशन को हम इस तरह के टर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें इसको ऐसा बनाना है, तो ऐड करते चलिए, क्या हटाया था आपने यहां से, SO4 हटाया था, तो आप लिख दीजिए 5 Fe SO4।
प्लस आपने यहां से के हटाया था तो लिख दीजिए के एम एन ओ फोर, प्लस आपने यहां से क्या हटाया था तो एच टू एस ओ फोर हटाया था, तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा एच टू एस ओ फोर, लेकिन कितना एच टू एस ओ फोर लिखना पड़ेगा, देखिए यहां आपके पास एट एच प्लस है तो यानी यहां पे फोर एच टू एस ओ फोर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एट एच प्लस देगा। फिर आगे बढ़िए, तो ये वाला केस कुछ ऐसा है एफ ई टू एस ओ फोर होल थ्राइस और प्लस, फिर यहां पे आ गया एम एन एस ओ फोर और प्लस आ गया फोर एच टू। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम इसको 5/2 लिखेंगे ताकि हमारा ये बैलेंस हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये 2 पहले नहीं था तो हमारा ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करिए कि यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, कितना से 2 से, अगर हम सब में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4, ये हो जाएगा 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2 MnSO4 प्लस 8 H2SO4, और एक चीज हमारा बचा है कौन सा K2SO4, यहां पे आपका बचा हुआ है तो K2SO4 को लिखिए, इधर आप लिख सकते हैं K2SO4। अब आप बैलेंस करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए आयरन 10 है, इधर भी आयरन 10 हो गया, SO4 देखिए कितना है 10 यहां का और 8 यहां का 18 है, तो यहां देखिए 15 यहां का और 2 यहां का 17 और यहां एक है जो 18 हो गया, तो SO4 भी हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को चेक करिए तो हाइड्रोजन यहां 16 है और यहां भी हाइड्रोजन हमारा क्या है 16 है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो आयनिक मेथड में आप बहुत इजीली ही किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, इसमें आपको हर एक स्टेप में बैलेंस करते जाना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं मिलेगा पड़ेगा आपको, और इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शंस को इजीली यहां पे बैलेंस कर सकते हैं।